हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक मटेरियल। देखिए, मटेरियल की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था परचेज प्रोसीजर, कि हम किस किस तरीके से गुड्स को परचेज करते हैं। ठीक है बेटा, तो उसमें एक हेडिंग थी हमारे पास सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, कि भाई हम गुड्स खरीद रहे हैं तो कोटेशन हमने मंगा ली। अब कोटेशन तो हमने मंगा ली, तो किसकी कोटेशन को पास करना है, कौन सा वाला सप्लायर हमारे लिए बेस्ट है। तो उसके बेस्ट के सेंस को हम कई एंगल से देखते हैं, कि भाई क्या वो सप्लायर हमें गुड्स रेगुलर उपलब्ध करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। यदि वो रेगुलर अवेलेबल ही नहीं करा पाएगा तो हम उससे क्या फायदा, उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन, की उसने पिछली कहां कहां गुड्स को सप्लाई कर रखा है, उस गुड्स की क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड, ठीक है, उसके आने में कितना समय लग रहा है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस में कितना समय लग रहा है, उसका कोई फिक्स चार्ज तो नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट चार्ज तो नहीं है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। हम सब चीजों को एनालाइज करने के बाद फिर चूज करते हैं, और फिर जिस सप्लायर हमारे लिए सस्ता होता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये जरूरी नहीं है कि भाई हर कंपनी के लिए एक ही सप्लायर बढ़िया है, नहीं नहीं, अलग अलग के लिए अलग अलग सप्लायर बढ़िया हो सकते हैं, किसी के लिए कोई और सप्लायर अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कोई और सप्लायर अच्छा हो सकता है, क्योंकि सप्लायर्स की अपनी कुछ शर्तें हैं, उनकी अपनी कंडीशंस है, हमारी अपनी कंडीशंस है। तो हमें अपनी कंडीशन के बेस पर डिसाइड करना है बेस्ट सप्लायर। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम इसके लिए न्यूमेरिकल, सो दैट कि हम दो न्यूमेरिकल उठाते हैं जिसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन से सप्लायर से गुड्स खरीदना चाहिए। ठीक है बेटा, तो उठा लेते हैं एक न्यूमेरिकल, क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में। वो मुझसे कह रहा है आफ्टर इनवाइटिंग टेंडर्स, मैंने टेंडर इनवाइट करा है, तो उन टेंडर्स को इनवाइट करने पर मेरे पास दो ऑप्शंस आए हैं। ऑप्शन ए, या तो आप ले लीजिए ₹1.20 पर यूनिट पर माल, ₹1.20 की एक यूनिट है, आप गुड्स ले लीजिए, या फिर दूसरा सप्लायर है वो आपको ₹1.20 की बजाय दे देगा बेटा ₹1.10 में, यानी 10 पैसे सस्ती, लेकिन शर्त क्या है, प्लस 3000 फिक्स चार्ज टू बी एडेड रिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट ऑर्डर। कितनी भी यूनिट का आप ऑर्डर करो, ₹3000 का उसका एक फिक्स चार्जेस है जो वो लेगा ही लेगा। आप चाहे 100 मंगाओ चाहे 1,00,000 मंगाओ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 पैसे सस्ती तो है भाई। अगर आप पहले सप्लायर से लेंगे तो ₹2 का है, दूसरे से लेंगे तो ₹1.10 का है, लेकिन ₹1.10 वाले पर ₹3000 का फिक्स्ड खर्चा भी है। तो आप समझ लीजिए कि 10 पैसे सस्ता है लेकिन 3000 यूनिट के लिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो भाई ₹1.20 का है, ₹1.10 का है, 10 पैसे सस्ता है, ठीक है 10 पैसे सस्ता है, लेकिन जो ₹3000 मुझे चाहिए, अगर 10 पैसे सस्ता खरीदना है तो ₹3000 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो 3000 डिवाइडेड बाय 10 पैसे, तो ये हमारा एक तरह से आता है ब्रेक इवन पॉइंट। यानी 30,000 यूनिट वो यूनिट है, 30,000 यूनिट वो यूनिट है, अगर 30,000 यूनिट तक हमारे को रिक्वायरमेंट है, चाहे हम सप्लायर ए से मंगाए चाहे हम सप्लायर बी से मंगाए, दोनों में हमारी कॉस्ट सेम टू सेम आएगी, क्योंकि इन ₹3000 को पूरा करने के लिए, इन 3000 यूनिट्स को पूरा करने के, तो ₹3000 को पूरा करने के लिए हमें 30,000 यूनिट चाहिए। अगर 30,000 यूनिट से कम की रिक्वायरमेंट है, यदि आपको लगता है कि भाई 30,000 यूनिट से कम ही चाहिए, मुझे तो इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो 30 से कम चाहिए, तो ₹1.20 वाला ही हमारे लिए बेस्ट सप्लायर है और हम उसको ऑर्डर कर देंगे। लेकिन यदि हमारी डिमांड, मैंने कहा ना एक साल की डिमांड है, तो एक साल में यदि हम डिमांड कर रहे हैं या हम आज की डिमांड कर रहे हैं, तो वो किस तरह से कह रहा है कि भाई 3000 लेंगे फिक्स चार्जेस के, तो 30,000 यूनिट की यदि डिमांड हो, 30,000 यूनिट अगर आप एक बार में मंगा रहे हो, या 30,000 यूनिट का आपका ऑर्डर हो, इससे ज्यादा का, 30,000 में तो किसे ही मंगा लो, 30,000 से ज्यादा का मंगाओगे तो फिर ₹1.10 वाला फायदेमंद है, क्योंकि 30,000 यूनिट के बाद हर यूनिट पर ईच एंड एवरी यूनिट गिव्स 10 पैसे बेनिफिट इन द कंपेयर ऑफ ए सप्लायर। ए के सप्लायर के कंपेयर में बी सप्लायर 10 पैसे पर यूनिट सस्ता हो जाएगा यदि हम 30,000 यूनिट से ज्यादा मंगाते हैं। तो अब
हम कितनी यूनिट मंगाएंगे ये हमें थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, यहां आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो क्वेश्चन नॉर्मल समझ में आता है, लेकिन यहां उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जहां पर आपको कितनी यूनिट मुझे ऑर्डर करनी है वो निकालना पड़ेगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन मे बी ऑफ इंटरेस्ट। वो कह रहा है प्रेजेंट में मेरे पास 35,000 यूनिट है, जबकि मेरी एवरेज डेली एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट की। ठीक है, 35,000 यूनिट मेरे पास फिलहाल में है, 10,000 यूनिट हर महीने में इस्तेमाल करता हूं, मैक्सिमम लेवल है मेरा 80,000 यूनिट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 80,000 यूनिट हो सकती हैं, मिनिमम लेवल है मेरे पास 30,000 यूनिट, यानी कम से कम मेरे पास होनी चाहिए 30,000 यूनिट। और वो कह रहा है सेल्स टैक्स बाकी सारे टैक्स की प्रॉब्लम को आप इग्नोर कर सकते हैं, उनकी मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं पहले लिख सकता हूं इन सब चीजों को कि भाई प्रेजेंट में मेरे पास है 30,000 यूनिट और कम से कम होनी चाहिए, सॉरी प्रेजेंट में मेरे पास 35,000 यूनिट और मुझे चाहिए कम से कम 30,000 यूनिट, यानी कि मेरे पास फिलहाल में 5,000 यूनिट है एक्स्ट्रा, मिनिमम से एक्स्ट्रा, जितनी कम से कम गोडाउन में होनी चाहिए उससे 35,000 मतलब उससे 5,000 ज्यादा है। ये पहले तो एक पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे गोडाउन में है 35,000 यूनिट और मेरे गोडाउन का मिनिमम लेवल है 30,000 यूनिट, यानी कि 5,000 यूनिट मैं कंज्यूम अभी और कर सकता हूं। भाई मैं इस समय माल ऑर्डर कर रहा हूं, प्रेजेंट लेवल का मतलब है मैं आज ऑर्डर करूंगा, तो आज जब मैं ऑर्डर करूंगा तो मेरे पास 5,000 यूनिट अवेलेबल है जिन्हें मैं कंज्यूम कर सकता हूं, और कंज्यूम करने के बाद मैं अपने मिनिमम स्टॉक लेवल पर आ जाऊंगा। तो इन 5,000 यूनिट को कंज्यूम करने में मुझे समय कितना लगेगा, कहा हमने कि भाई हर महीने हमें 10,000 यूनिट कंज्यूम करनी है, तो जब हर महीने 10,000 यूनिट कंज्यूम करनी है तो 5,000 यूनिट को कंज्यूम करने में कितना समय लगेगा, आधा महीना यानी 15 दिन। तो एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट जो कि 10,000 यूनिट है, सो अबव 5,000 यूनिट्स आर 1.5 मंथ कंजप्शन। तो ये जो 5,000 यूनिट मैंने लिखी है ये कितने दिन का कंजप्शन है, आधा महीने का। इसका मतलब ये है कि मैं अगर देखिए प्रेजेंट ऑर्डर का मतलब है कि मेरे पास 35,000 है, 30,000 तक जा सकती है, यानी 5,000 यूनिट अभी कंज्यूम करने के लिए है, यानी जब तक मेरे पास गुड्स आएगा, जब तक मेरे पास गुड्स आएगा तब तक मैं 5,000 यूनिट यूज कर सकता हूं, यानी 15 दिन तक का है कंजप्शन, यानी आधा महीना, यानी मेरे पास जो प्रोक्यूरमेंट टाइम है, डिलीवरी टाइम है, जितने समय में मेरे पास गुड्स आता है, ये समय में अज्यूम करके रखना पड़ेगा ना बेटा, तो 15 दिन लग रहे हैं, यानी 15 दिन तक का कंजप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल आप देखिए कि अब हमें निकालना है कि कितनी यूनिट का हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 80, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 80 और रीऑर्डर लेवल है मेरे पास 35,000, क्योंकि 35,000 यूनिट के बाद मैं ऑर्डर करने वाला हूं, 35,000 यूनिट के बाद क्या करने वाला हूं, मैं ऑर्डर करने वाला हूं। मैक्सिमम वो माल हो सकता है 80,000 यूनिट का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 80,000 यूनिट गोडाउन में हो सकती है माल आने के बाद, जब गुड्स गोडाउन में आ जाएगा तो मेरे गोडाउन में टोटल 80,000 यूनिट होनी चाहिए, तो 80,000 यूनिट जब होनी चाहिए, जबकि मेरे पास रीऑर्डर लेवल यानी कि फिलहाल में जो 35,000 यूनिट मेरे पास है, यानी कि 45,000 यूनिट मुझे मंगानी है, 45,000 यूनिट मुझे मंगानी है। लेकिन आप ये भी तो ध्यान दो, वेट करो, इतने समय में जब मैं आज ऑर्डर करूंगा और जब तक माल मुझे मिलेगा तब तक मैं 5,000 यूनिट कंज्यूम कर चुका होऊंगा, तो 80,000 यूनिट गोडाउन में कब होंगी, जब 45,000 तो ये और जो 10,000 का आधा यानी 5,000 यूनिट मैं जो इन 15 दिन में यानी आधा महीने में कंज्यूम कर लूंगा वो 5,000 यूनिट, यानी कि मुझे एक बार में मंगानी होंगी 50,000 यूनिट, यानी एक बार में मुझे 50,000 यूनिट का ऑर्डर देना है। अब ठीक है, 50,000 यूनिट का मुझे ऑर्डर देना है। अब आगे कंसेप्ट देखिए कि 50,000 यूनिट का ऑर्डर देना है और 30,000 से ज्यादा होने पर मेरे लिए सप्लायर भी फायदेमंद होगा, और ए के कंपेयर में भी कितना फायदेमंद होगा ये मैं बता चुका हूं कि 10 पैसे पर यूनिट का फायदा है, 10 पैसे पर यूनिट का फायदा है। तो आप समझ लीजिए 30,000 के ऊपर हम यूज कर रहे हैं 50,000 यूनिट, यानी 20,000 यूनिट पर, हर यूनिट पर
दस पैसे का फायदा, तो हमें अभी भी जो फायदा है वो 2000 रुपए का है। यानी कि अगर हम ए से मंगाएं और माल मंगाएं बी से, तो बी से जो गुड्स मंगाएंगे उसकी कॉस्ट 2000 रुपए कम आएगी। समझ लीजिए, टेक्निकल तरीके से मैंने समझाया जिससे कि हमें लॉजिकल समझ में आए, केवल लर्न ही ना करें पर समझ में आए, सो दैट कि हम एक अच्छे मैनेजर के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकें। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमें कौन से वाले सप्लायर से मंगाना है, यानी कि हमें बी सप्लायर से मंगाना है। 30,000 से कम होती तो मैं ए सप्लायर से। तो एक न्यूमेरिकल किया हमने, एक और कर लेते हैं सो दैट कि ये कंसेप्ट हमें पूरी तरह समझ में आ जाए। तो एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपके लिए और लेकर आ रहा हूं। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, देखिए वो कह रहा है, दो व्हेन टेंडर्स वर इनवाइटेड फॉर ए स्टोर, एक स्टोर के लिए हमने टेंडर इनवाइट किए हैं और हमारे पास दो कोटेशन आई है, सप्लायर ए की और सप्लायर बी की, सप्लायर ए और सप्लायर बी। तो ए और बी को देख लेते हैं। तो सप्लायर ए किस रेट पर दे रहा है, थोड़ा सा डिटेल लिख लीजिए जिससे कि हमें वो याद रहे, बार बार हम देखेंगे ना बुक में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सप्लायर ए का रेट है 2 रुपए का, 2 रुपए पर यूनिट, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, ठीक है, यदि 15 दिन के अंदर पैसे देते हो तो 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, हर 100 यूनिट पर 1 रुपए। ये हुआ सप्लायर ए की डिटेल। इसी तरह से मुझे दी हुई है सप्लायर बी की डिटेल कि सप्लायर बी कितने पैसे में ये मुझे दे देगा। तो सप्लायर बी पर मैं गया तो सप्लायर बी थोड़ा रेट सस्ता है, 1.80 रुपए का है, वो भी 1000 यूनिट के लिए। अगर आप 1000 या उससे ज्यादा खरीदेंगे, है ना, 1000 तक, 1000 से ज्यादा खरीदते हैं तो यही रेट 1.60 रुपए हो जाएगा। लिखा ना फॉर द ऑर्डर एक्सिस 1000 यूनिट, यदि आप 1000 यूनिट से ज्यादा की ज्यादा मंगवाएंगे ना तो 1.60 रुपए में दे देगा आपको। लेकिन वो ना तो आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट देने वाला है, ना ही वो आपको कोई कैश डिस्काउंट देने वाला है, बल्कि वो ये कह रहा है इंटरेस्ट पर एनम विल बी एडिड, ब्याज लेगा यदि 15 दिन में पैसे आपने नहीं दिए तो। यहां पर वो कह रहा था कि 15 दिन में पैसे दे दो तो 5% हम आपको छूट दे देंगे, यहां वो कह रहा है कि यदि 15 दिन में पैसे नहीं दिए, 15 दिन तक तो कुछ है ही नहीं, डिस्काउंट तो मैं दे ही नहीं रहा, लेकिन अगर 15 दिन में पैसे नहीं दिए तो 15 दिन के बाद जितना लेट आप देंगे, है ना, उसके लिए वो ब्याज चार्ज करेगा 6% पर एनम। इसके अलावा इसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है 3 रुपए पर 100 यूनिट, हर 100 यूनिट पर 3 रुपए, ठीक है। तो कह रहा है assuming that 5000 units are required, 5000 यूनिट मंगानी है, तो 5000 यूनिट हम सप्लायर ए से मंगा कर देखेंगे उसकी कॉस्ट क्या है, सप्लायर बी से मंगा कर देखेंगे उसकी कॉस्ट क्या है। मंगा कर देखेंगे का मतलब मंगाएंगे नहीं, हम अपना स्टेटमेंट बनाएंगे कि अगर ए से मंगाते तो क्या कॉस्ट आती, बी से मंगाते तो क्या कॉस्ट आती, और फिर जिससे हमें लगेगा कि सस्ता पड़ रहा है उससे मंगा लेंगे, ठीक है। एवरी मंथ वो कह रहा क्वांटिटी सप्लाई आर द सेम, ऑफर योर कमेंट एज टू हूम परचेज ऑर्डर कैन बी इशूड, द फैक्ट्री पेज 50% ऑफ इट्स मंथली बिल। मंथली बिल यानी हर महीने में हम क्लियर कर देते हैं बिल, एक महीने में अपना पूरा बिल क्लियर कर देते हैं, लेकिन हम 15 दिन में केवल आधे पैसे ही दे पाते हैं, यानी कि हर फोर्थ नाइट में हम केवल आपको आधा पेमेंट ही कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए हमारे पास है दो सप्लायर, सप्लायर ए सप्लायर बी, सप्लायर ए सप्लायर बी। क्वेश्चन में सप्लायर ए का देखें, 5000 यूनिट 2 रुपए की रेट से तो 10000 रुपए इसकी कीमत बैठती है, लेकिन उस पर डिस्काउंट है 10% का, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट हमने इसमें से काट दिया, 10000 का 10% 1000 रुपए, और हमारी जो इससे खरीद रहे हैं वो 9000 रुपए का, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी है, वो कह रहा है 100 यूनिट पर 1 रुपए है तो 5000 यूनिट पर कितना, तो 5000 × 1/100 यानी 50 रुपए। ट्रांसपोर्ट ज्यादा खर्चा नहीं है, ट्रांसपोर्ट के हो गए भाई हमारे पास 50 रुपए, यानी कि हमारा टोटल बिल है 9050 रुपए। 9050 रुपए यदि आप दे देते हैं तो हम आपको 5% का कैश डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या था लास्ट में, भाई हम 15 दिन में आधा पेमेंट करेंगे, तो भैया
डिस्काउंट भी तो आधा ही मिलेगा, पूरे पैसे में तो मिलेगा नहीं भाई। 9,050 रुपए पे सीधा 5% छूट दे देते हम आपको, लेकिन यहाँ हम आपको 5% छूट नहीं दे पाएंगे, इसके आधे पर दे पाएंगे 5% छूट, क्योंकि आप आधा पैसा पेमेंट करोगे। तो 9,050 का आधा आप ले लीजिए, 15 दिन का मतलब आधा कर लीजिए, ठीक है ना। तो 9,050 का 5% और उसका फिर आधा, 15 दिन का मतलब हो गया आधा, 415 डेज लिख लीजिए, या फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इनटू 1/2 कंफ्यूज नहीं होना है, 1/2 आधा, क्योंकि 9,050 का आधा पैसा हम दे रहे हैं जिस पर हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट मिल पाएगा इसमें 226 रुपए 25 पैसे का, यानी कि हमारे को जो ये मेटेरियल पड़ रहा है सप्लायर ए से, वो पड़ रहा है 8,823 रुपए 75 पैसे, ठीक है, 8823.7। सप्लायर ए की डिटेल बना ली, सप्लायर बी पर पहुंचते हैं। सप्लायर बी क्या कह रहा है, क्योंकि हमें यूनिट चाहिए 5,000, तो रेट तो भाई 1.80 रुपए से कोई मतलब ही नहीं है, 1.60 रुपए से। तो 1.60 रुपए के बेस पर 5,000 यूनिट हो गई 8,000 रुपए की, कितने की हो गई 8,000 रुपए की हुई 5,000 यूनिट। अब इसमें क्या देखते हैं, अब देखिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस इसमें महंगा है, 3 रुपए लगते हैं 100 यूनिट पर, तो 5,000 यूनिट पर कितने, 3 गुना है, यहाँ पर 1 रुपया लग रहा था, यहाँ 3 रुपए लग रहा था, यहाँ 50 रुपए, 5,000 / 100 × 300 यूनिट, तो 150, यानी कि इससे खरीदोगे तो ये लागत आएगी केवल 8,150 रुपए। जनरली देखें तो 8,150 रुपए की है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम 15 दिन में आधे पैसे देते हैं तो यहाँ तो कैश डिस्काउंट मिल जाता है, या 15 दिन में पैसे दे देते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 दिन के बाद अगर पैसे दोगे तो फिर ब्याज है, यहाँ नहीं है ब्याज, यहाँ तो पूरे महीने में आप पैसे दे दो कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन के अंदर दे दोगे तो डिस्काउंट और दूंगा मैं, लेकिन यहाँ तो 15 दिन के अंदर आपको पैसे लौटाना है और कोई डिस्काउंट नहीं देने वाला मैं। और यदि 15 दिन से 1 दिन भी लेट होते हो तो जितने दिन लेट होगे उसमें हर दिन के लिए 6% साल का ब्याज लगेगा, ठीक है जी, 6% साल का ब्याज लगेगा, ठीक है बेटा, इसमें इंटरेस्ट लगेगा कितना, 6% इफ पेड आफ्टर 15 डेज। तो 15, तो ये तो पहले ही कह रहा है कि भाई आधा तो मैं भी दे दूंगा और आधा 15 दिन के बाद दूंगा, तो जो आधा है उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, पहले 15 दिन तक फ्री, लेकिन उसके 15 दिन बाद जो पैसा रह जाएगा उसका ब्याज। तो आइए देखिए, हमने कहा हम इसका आधा पैसा तो दे देंगे, तो 8,150 का आधा पैसा तो हम आपको दे देते हैं, तो 8,150 का आधा पैसा तो मैंने दे दिया, तो उस पर तो कोई ब्याज का कोई सवाल ही नहीं, वो तो हमारी पॉलिसी है, वो तो हम सबको देंगे। लेकिन जो बचा हुआ पैसा है यानी 4,075 रुपए, इस पर 6% ब्याज लगेगा, इस पर 6% ब्याज लगेगा, कितने दिन के लिए भाई, 6% 1 साल का है, ठीक है, 1 महीने का निकालूंगा तो 1/12, आधा महीने का निकालूंगा, या आप इसको ऐसा कर लीजिए ना, आधा महीने का निकाल लीजिए तो 0.5/12, ये समझ में जल्दी अच्छा आएगा आपको कि आधा महीने का ब्याज, 4,075 में आधा तो मैंने दे दिया, जो बचा आधा जो मैं महीने के लास्ट में दूंगा उस पर 6% ब्याज है, आधा महीने का 10 रुपए 20 पैसे, तो जो बिल देना है वो मुझे 8,150 का आधा तब दे दिया और 10 रुपए 20 पैसे ये ब्याज के, यानी कुल मिलाकर 8,150 एक और 10 रुपए 20 पैसे ब्याज के सारे मिलाकर मुझे देने पड़े 8,160 रुपए 20 पैसे। तो यदि मैं हिसाब लगाऊं तो भाई ये तो अब भी सस्ता है, इतना कैश डिस्काउंट, इतना ट्रेड डिस्काउंट, इतना ट्रांसपोर्ट भी सस्ता होने के बाद इसकी कॉस्ट आ रही है 8,823 रुपए 75 पैसे, जबकि इसकी कॉस्ट आ रही है 8,160 रुपए, करीबन करीबन 700 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यानी 680 रुपए के आसपास का डिफरेंस इन दोनों में आ रहा है। तो बताइए इतनी कम अमाउंट पर 680 का करीबन, तो आप समझिए ना कि 7% 8% करीबन डिफरेंस आ रहा है, है ना, 8% के आसपास का डिफरेंस है। तो भैया सप्लायर बी हमारे लिए बेस्ट है, चाहे कितनी दूर हो, चाहे इसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस महंगा हो, चाहे हमें कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो कह रहा ना ट्रेड डिस्काउंट ना कैश डिस्काउंट, ब्याज और लूंगा, तब भी हमारे लिए यही फायदेमंद है। तो आपको देखना, मैंने कहा पूरा एनालिसिस कीजिए, तो सप्लायर बी इज बेस्ट इन द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।
अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें भी सप्लायर बी अच्छा था, इसमें भी सप्लायर बी अच्छा है तो बी ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। कोई भी हो सकता है, तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई भी अच्छा हो सकता है, हमें अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसे समझना होता है। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन ऑफ सप्लायर कर पाते हैं। ठीक है बेटा, तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए नए कंटेंट्स के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।